जैन साथियों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूँ आपकी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। तो गाइस, बात करेंगे हम इस वीडियो में बीएसएफ ट्रेड्समैन के बारे में। जो आपको पता है भाई, आपके फॉर्म अभी आए हुए हैं, आपका जो हाइट चेस्ट वेट है वो क्या होना चाहिए, आपकी रनिंग कितनी होने वाली है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको कौन सा होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए, आपको भाई मैं प्रॉपर तरीके से पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई आप देख पा रहे हो यहाँ पे थंबनेल पे बीएसएफ ट्रेड्समैन 2788 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे। ओके, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बीएसएफ ट्रेड्समैन 2788 पोस्ट है। आपको भाई बता दूं, सबसे पहले जो भाई बंधु वीडियो देख रहे हैं अभी, गाइस प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हो, आपसे कोई भी जानकारी मिस नहीं होगी, आप भाई प्रॉपर तरीके से जानकारी ले पाओगे। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हो तो भाई आप जानकारी नहीं ले पाओगे। आप फिर नीचे फिर कमेंट करोगे, सर बता दीजिए, क्या पता भाई मैं कमेंट आपके कमेंट का जो रिप्लाई है थोड़ा लेट करूं। तो गाइस, आप प्लीज प्रॉपर तरीके से एक बार वीडियो पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे देखिए बीएसएफ ट्रेड्समैन 2788 पोस्ट, आपको भाई पता है आपके जो फॉर्म है अभी आए हुए हैं, 15 तारीख से आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। ओके, तो गाइज यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एंड अगर हम दोस्तों बात करें फॉर्म स्टार्ट के बारे में, 15 जनवरी से आप ये फॉर्म फिलअप कर पाओगे, मतलब कि आज से 5 दिन के बाद। अगर हम बात करें लास्ट डेट के बारे में, 28 फेब आपकी लास्ट डेट रहने वाली है यहाँ पे, ठीक है। एंड गाइज आगे चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपका भाई सबसे पहले इसमें होने वाला है पीएसटी पीएटी। पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ओके, एंड गाइस सेकंड नंबर पे आपका आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। एंड गाइस आगे हम दोस्तों बात करते हैं थर्ड नंबर पे, फिर आपका इसमें होगा ट्रेड टेस्ट, फिर आपका इसमें होगा रिटर्न टेस्ट, फिर आपका दोस्तों इसमें होने वाला है मेडिकल टेस्ट, फिर गाइस आपकी बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। जिन मेरे भाइयों का मेरी बहनों का लिस्ट में नाम आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वो भाई बंधु यूनिफॉर्म वर्दी ले लेंगे, हासिल कर लेंगे। आगे हम दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पीएसटी के बारे में, आपकी हाइट के रिगार्डिंग। अगर हम दोस्तों बात करते हैं जनरल ओबीसी एससी के बारे में, जो आपकी हाइट है 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए। ओके, जिनकी भी कास्ट जनरल ओबीसी एससी है, दोस्तों हर एक बात को अच्छे ढंग से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कान में हेडफोन्स लगा लीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से मेरी वॉइस आती रहे। आगे हम दोस्तों बात करते हैं एसटी के बारे में, जिन मेरे भाइयों की कास्ट एसटी है, आपकी जो यहाँ पे हाइट है 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए, ठीक है। आगे हम दोस्तों बात करते हैं चेस्ट के बारे में, चेस्ट फॉर मेल ओनली, जो आपकी चेस्ट है 78 से 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए। गाइस ध्यान दीजिएगा, जो भी गर्ल्स हैं आपकी यहाँ पे चेस्ट एप्लीकेबल नहीं है, आपको चेस्ट में पास कर दिया जाएगा, तो आपको चेस्ट में कोई दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, आगे हम दोस्तों बात करते हैं फीमेल के बारे में, जिन मेरी बहनों की कास्ट जनरल ओबीसी एससी है, आपकी जो यहाँ पे हाइट है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ओके, आगे हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे एसटी के लिए, जिन मेरी बहनों की कास्ट एसटी है, आपकी जो यहाँ पे हाइट है 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब 150 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पे हाइट होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। आगे हम दोस्तों बात करते हैं चेस्ट के बारे में, फॉर मेल ओनली, जो गाइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन दोस्तों जो चेस्ट है ओनली एसटी कैंडिडेट के लिए है, जो आपकी चेस्ट है 76 से 81 होनी चाहिए। जिन मेरे भाइयों की जो कास्ट है वो एसटी है, आपकी जो चेस्ट है दोस्तों 76 से 81 होने चाहिए, मतलब ये हुआ आपका 5 सेंटीमीटर ऑफ फुलाव बहुत ही जरूरी है। अगर आप 5 सेंटीमीटर फुलाव आप नहीं कर पाते हो वहां पे, आपको इस भर्ती से डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो गाइज आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, चेस्ट को फुलाने की जरूर कीजिएगा, आपकी चेस्ट का दोस्तों 5 सेंटीमीटर जो फुलाव होता है वो जरूरी है, अनिवार्य है, अगर आप वो कर देते हो तो ही भाई आप पीएसटी में पास हो पाओगे, ध्यान दीजिएगा। आगे हम दोस्तों बात करते हैं फोर कैंडिडेट हिल एरिया ओनली, जो मेरे भाई बंधु बिलोंग करते हैं हिल एरिया से, आपकी जो यहाँ पे हाइट है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए। अगर मैं बात करता हूँ फीमेल में, आपकी जो यहाँ पे हाइट है 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब 155 सेंटीमीटर। ओके, आगे हम बात करते हैं चेस्ट के लिए मेल बॉयज ओनली, जो मेरे भाई बंधु है, सिर्फ उनके लिए, गर्ल्स के लिए चेस्ट एप्लीकेबल नहीं है, आपकी चेस्ट मापी नहीं जाएगी, आपको चेस्ट में पास कर दिया जाएगा। आपकी जो चेस्ट है यहाँ पे 78 से 83 सेंटीमीटर होने चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाव आपका जरूरी है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ताकि दोस्तों आप कंफ्यूजन में ना रहो,
दोस्तों मैंने हाइट के बारे में आपको बता दिया है, मेल फीमेल दोनों के बारे में मैंने जिक्र कर दिया है, फिर भी आपका कुछ भी डाउट बचे आपको वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ लेना कि सर मेरा ये डाउट है बता दीजिए। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिए। दोस्तों वीडियो के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सब्सक्राइब वाला, अगर आप दोस्तों अब की बार यूनिफॉर्म पहनना चाहते हो, बीएसएफ में भर्ती होना चाहते हो भाई, आपको भाई इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आपके हाइट चेस्ट वेट या फिर आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, आपकी गाइज एडमिट कार्ड कब आएंगे, आपको प्रॉपर तरीके से पूरी जानकारी मेरे चैनल पे प्रोवाइड होती रहेंगी। आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है आगे की न्यू अपडेट्स के लिए, तो भाई फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आगे हम दोस्तों बात करते हैं आपके पीईटी के बारे में। पीईटी क्या होता है? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, जिसमें दोस्तों आपकी रनिंग होती है। कितनी रनिंग होती है ध्यान दीजिएगा। अगर हम दोस्तों बात करें मेल के बारे में, जो भी बॉयज हैं आपकी यहाँ पे दोस्तों, जो रनिंग होने वाली है 5 किलोमीटर रनिंग होने वाली है, 24 मिनट का आपको समय मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको क्लियर करनी है। अब ये नहीं कि भाई आपकी तैयारी नहीं है और आप घर पे आराम से पड़े रहो और आप तैयारी ना करो, भाई 5 किलोमीटर रेस कम नहीं होती, ज्यादा होती है। आप 3 किलोमीटर दौड़ोगे, 4 दौड़ोगे, फिर आप थक जाओगे, तो भाई आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, अगर हम बात करें फीमेल के बारे में, जो भी गर्ल्स हैं आपकी यहाँ पे, जो रनिंग है वो 1600 मीटर होने वाली है, मतलब कि 1 किलोमीटर 600 मीटर जो आपको क्लियर करनी है 8 मिनट 30 सेकंड में। ये रहेगा गर्ल्स के लिए। बॉयज के लिए रहेगा 5 किलोमीटर, गर्ल्स के रहेगा 1600 मीटर। तो भाई मैंने यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए बात कर ली है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी आपको कुछ भी डाउट बचे प्लीज दोस्तों आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में। भाई वो आपका बहुत ही जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। आपको वो कहाँ से बनवाना है उसके रिगार्डिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आपके पास दोस्तों सर्टिफिकेट है तो प्लीज आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि सर मेरे पास सर्टिफिकेट है। अगर नहीं है तो प्लीज दोस्तों आप मुझे बताइए कि सर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, बता दीजिए मुझे कैसे बनवाना है, तो भाई मैं आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो गाइस थैंक यू सो मच। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कुछ भी डाउट हो क्या करना है गाइज, आपको वीडियो को लाइक करना है एंड वीडियो के नीचे कमेंट भी जरूर कर देना है। जय हिंद, जय भारत।